बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सब के? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। हैप्पी बर्थडे अली। आज मेरे बेटे अली की बर्थडे है, तो मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं अली की बर्थडे के लिए। अली ने बोला था कि मुझे केक नहीं चाहिए अम्मी, कुछ आज अलग सा बना दें, तो मैंने गुलाब जामुन बना दिए। तो मैंने गुलाब जामुन कैसे बनाए हैं मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। और बहुत ही आसान है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। एक कप जहाँ पर मैंने खुश्क दूध लिया है, यहाँ पे मैंने एक कप और एक बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है मैदे का। और अब इसमें डालूँगी यहाँ पे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो आधी छोटी चम्मच डालूँगी। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इलायची पाउडर है, ये एक मिनट मैंने डाली है यहाँ पे। अब अच्छी तरह से इन चीज़ों को सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है गुलाब जामुन, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और इतना सब ने शौक से खाया है। यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है कि जब जो कोई चीज़ अच्छी बन जाती है और इतना शौक़ से सब खाते हैं, इतना प्यार से खाते हैं और सब बोलते हैं कि बहुत ही मज़ेदार बनी है ये रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त बनाया आपने, कैसे बनाया है, तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के मैं डालूँगी घी का। घी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसमें डाल दूँगी एक अंडा और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। आजकल इतनी परेशानियां हैं कि यकीन माने कि कोई खुशियां हैं ही नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, ये भी हम बच्चों के उसमें नहीं मना सकते हैं तो फिर थोड़ा बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने सुबह उठते ही बोला कि बेटा जो आपकी मर्ज़ी है वही मैं करूँगी। एक तो यहाँ पर गैस का बड़ा इशू होता है, तो इस वजह से भी नहीं बना पाते कोई, अगर किसी चीज़ का मूड हो भी तो नहीं बना पाते हैं कि गैस का बड़ा मसला होता है। अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी। और केक, मेरा बेटा कह रहा था अम्मी केक का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है कि केक बनाएं या लाएं बाहर से लाएं। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है और अब यहाँ पे बनाऊंगी मैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है और यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैंने चीनी का लिया है। चीनी अच्छी तरह से गल चुकी है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डालें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लींबू भी यूज़ कर रही हूँ, तो कलर डालने से सही होगा कि कलर थोड़ा और भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे ऑयल मैं चेक कर रही हूँ, ऑयल मैंने रख दिया है यहाँ पे और यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। तो यहाँ पे अभी बना लेते हैं गुलाब जामुन। आप अपने हिसाब से जो है पेड़े बनाइएगा। मेरे वाले पेड़े थोड़ा बड़े हो गए थे लेकिन अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त बने थे। इस तरह से सारे पेड़े मैं बना लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका है, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीस मैंने डाला था चेक करने के लिए, अब मैं इसको निकाल दूँगी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सारे इस तरह से मैं डाल दूँगी।
यहाँ पे मेरी थोड़ा गैस कम थी तो इसकी वजह से थोड़ा यह है कि क्रैक होना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने फ़ौरन से सिलेंडर का यूज़ कर लिया था। तो इसमें दरमियानी आँच कर देनी चाहिए, हल्की सी दरमियानी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा बीच में आया था क्रैक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बीच में फिर कोई नहीं आया जब मैंने सिलेंडर पे रख दिया था। और कलर देखे कितना अच्छा प्यारा आना शुरू हो गया है। तो अभी तकरीबन तैयार हैं, बस अभी मैं इसको निकालूंगी और चाशनी में इसको डायरेक्ट डाल लूँगी। गरम गरम ये भी होंगे और चाशनी गरम है, अभी इसमें डायरेक्ट डाल लूँगी यहाँ पे, और 15 मिनट के लिए यहाँ पे इसको रख देंगे कवर करके। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त यमी यार, वाह। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे इस तरह से निकाल देंगे। बेटा भी बहुत खुश हो गया था कि बहुत मज़े के बने हैं मम्मी, गुलाब जामुन बहुत मज़े के बने हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग के कमेंट से बहुत हौसला अफज़ाई होती है। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट बना है। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।